हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो बेसिक मैथ्स तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ये सारे के सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर कराने वाले हैं जहाँ पे हमारे दो टॉपिक कवर हो चुके हैं और करंट टॉपिक जो चल रहा है वो है स्क्वायर एंड क्यूब इसकी पहली क्लास जो है कंप्लीट हो गई है आज हमारी दूसरी क्लास है जहाँ पे हमने कल आपको क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है इनकी ट्रिक्स वगैरह क्यूब करना स्क्वायर करना इनकी ट्रिक्स वगैरह आपको पढ़ाया था और तीन क्वेश्चन जो है वो हम क्लास हमारी लंबी हुई थी इसलिए सिर्फ तीन क्वेश्चन कर

तो शेष किसमें आता है भाग विधि वाले मेथड में आता है ठीक है ये भाग विधि वाला मेथड आपको आता होगा नहीं आता है कोई बात नहीं तो इस तरीके से आपको बना लेना है और आपको लास्ट से जोड़े बनाने हैं आगे से जोड़े नहीं बनाने हैं लास्ट से बनाने हैं ये इसमें खास बात ध्यान रखनी है अब ऐसे नंबर का स्क्वायर हमें ढूंढना है किसकी तेईस से कम रहे क्योंकि तेईस तो किसी का होता नहीं है तो चार चको सोलह पचम पच्चीस पच्च पच्चीस तो ज्यादा हो जाएगा तो हम चार चक्र सोलह करेंगे शेष इसको हम जोडेंगे इसको घटाएंगे तो हमारा तेरह में से जब जाएगा तो हमारा कितना बचेगा सात बचेगा और पूरा जोड़ा हम उतारेंगे इकसठ उतारा यहाँ जुड़ के हमारा आठ हो गया ठीक है अब हम कितनी बार में ले जाए तो अब हम तीन बार किसके स्क्वायर से गुणा करें तो चार अठे बत्तीस नौ अठे बहत्तर नौ अठे बहत्तर मतलब आठ से करके देख लेते हैं ठीक है यहाँ पे फोर बार में ले गए थे अब आठवीं बार में ले जा रहे हैं आठ हटे चौसठ और छह हासिल आठ हटे चौसठ और छ हो जाएगा सत्तर तो क्या बचेगा ग्यारह में से चार गया हमारा कितना बचेगा ग्यारह में से चार गया तो हमारा सात बचेगा और यहाँ पे पांच बच गया सत्तावन हमारा बच गया ठीक है सत्तावन अब ये संख्या इन्होंने कहा था कौन सी संख्या ये ज्यादा था इस वाले नंबर में ये ज्यादा था इसीलिए तो शेष बचा है ठीक है तो यही इन्होंने कहा है कौन सी संख्या घटाई जाए मतलब इसी नंबर में से तेईस सौ इकसठ में से अगर हम सत्तावन को घटा दें तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी हमें इससे कोई मतलब नहीं ये सब करना नहीं हमें तो बताना था कौन सी संख्या घटाई जाए तो सत्तावन जो है वो घटाई जाए इससे हमारी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी ठीक है ये तो था हमारा तब जब इन्होंने कहा संख्या घटाई जाए अगर यही बोर्ड दे की जोड़ी जाए तो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं चार हजार नौ सौ इकतीस में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाए और इस बार इन्होंने क्या कहा है जोड़ने पर तो हम क्या करेंगे प्रोसेस हमारा सेम यही रहेगा उनचास सौ इकतीस जो है इसको ट्रिक से करने के बजाय इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इससे हमारा आंसर जो है वो एकदम सटीक निकलेगा और बाकी जो हमारी ट्रिक है ट्रिक तो लगाना आसान है पर उसमें सोचना ज्यादा पड़ेगा आपको अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ठीक है तो फिलहाल इसमें हम देखते हैं क्या करेंगे लास्ट से हमारे जोड़े बनाने हैं तो हम जानते हैं सात सतह उनचास होता है पूरा पूरा कैंसिल हो गया अब हम क्या करेंगे यहाँ पे तो चौदह आ गया यहाँ पे इकतीस है हम कितनी बार में ले गए सात बार में ले गए थे अब हमारा जा ही नहीं रहा है तो ना जाने का शून्य मतलब हमारा कितना आ गया सेवेंटी आ गया अब मतलब हमारा शेष जो है वो क्या निकल के आ रहा है हम इसको जीरो बार में अगर करना चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो इसको जीरो बार में ले जाएंगे तो जीरो जीरो आएगा तब हमारा शेष जाके ये बनेगा जाके ठीक है इस तरीके से करेंगे लेकिन ये सब हमको पता है कि नहीं जा रहा है तो ना जाने का सून लगा दिया और इसको यहीं पे छोड़ दिया लेकिन आपको समझाने के लिए ये स्टेप हमने यहाँ पे बता दिए ठीक है तो हमें पता चल गया है ये जो है सेवेंटी के स्क्वायर से ज्यादा है ठीक है ये जो नंबर है सेवेंटी के स्क्वायर से मतलब सेवेंटी के स्क्वायर से ज्यादा है कौन सा नंबर फोर नाइन थ्री वन जो दिया गया था तो हमें क्या करना है इन्होंने कहा है कि नंबर जोड़ना है मतलब इसमें भी हमें नंबर जोड़ना है तो हमें पता अब इसमें नंबर जोड़ने का मतलब कि सेवेंटी से ज्यादा स्क्वायर ये तो ऑलरेडी ज्यादा है और इसमें भी जोड़ने को बोल रहे हैं मतलब सेवेंटी से ज्यादा वाला नंबर हमको चाहिए तो सेवेंटी से नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होता है सेवेंटी वन का स्क्वायर तो सेवेंटी वन का स्क्वायर अब ट्रिक से कर लो ट्रिक हमने आपको क्या बताई थी एक का स्क्वायर एक सात का स्क्वायर उनचास इस तरीके से कर लो अब इन तीनों की गुणा कर लो गुणा करने पे चौदह आएगा हमारा अगर कैरी का रखा है कैरी आएगा तो हमारा इसमें जुड़ जाएगा इसमें कैरी आ रहा है तो इसमें जुड़ जाएगा तो हमारा एक आ गया चार आ गया कैरी इसमें जुड़ के हमारा इसने पचास कर दिया तो हमारा कितना आ गया पांच हजार इकतालीस आ गया ठीक है अब हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स का अंतर निकालना है हमारा क्या आया था पांच हजार इकतालीस आया और हम इसमें से चार हजार नौ सौ इकतीस जो नंबर दिया गया था ठीक है उसको घटा देंगे वही हमारा आंसर होगा शून्य यहाँ पे एक और यहाँ पे एक एक जो है वो हमारा आंसर होगा देखो पिछला वाला क्वेश्चन जो था जब बोल रहे थे घटा ही जाए तो हमने क्या किया था डायरेक्ट हमारा शेष वाला आंसर हो गया यही हमने घटा दिया लेकिन जब ये जोड़ने की बात कर रहे हैं जोड़ा किस में जाएगा यही अब हम ऑलरेडी बता अगर हमारे पास शेष आ रहा है इसका मतलब ऑलरेडी ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है उससे ज्यादा है ऑलरेडी ये ज्यादा है अब इसमें भी जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके स्क्वायर से ज्यादा वाला तो हम लेंगे तो इसके स्क्वायर से ज्यादा हम इस, इसका इसके मतलब इसका अगले का स्क्वायर निकाला वो हमारा नंबर आ गया उसमें से इस नंबर को घटाया जो अंतर आया वही हमारा जोड़ा जाएगा ठीक है तो बस इतना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इसमें ठीक है अब हमें हाई है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर चार अंकों की बात छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जो पूर्ण वर्ग संख्या हो ये हमने अभी पहली वाली जो क्लास हुई थी इसमें आपको बताया था अगर कोई आपसे पूछे कि स्क्वायर कहाँ तक याद होना चाहिए तो एक से लेकर बत्तीस तक स्क्वायर जो है वो हमें याद होनी चाहिए तो क्वेश्चन फिर उठता है कि भाई एक से लेकर तीस तक क्यों नहीं तो आंसर हो जाता हुआ है कि भाई इसलिए नहीं अगर आपसे पूछा जाए तीन अंकों का तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो जो पूर्ण वर्ग संख्या हो तो तीन अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हमारी होती है, आ, होती, है? तो होती, है? होती है कौन सी होती है नौ सौ इकसठ ठीक है तो कौन सी होती है नौ सौ इकसठ होती है कौन सी होती है ध्यान रखिएगा वो होती है हमारी नौ सौ इकसठ ठीक है किसका स्क्वायर होता है वो इकतीस का स्क्वायर होता है जो कि तीन अंकों का सबसे बड़ा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं तीन अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर सबसे बड़ा स्क्वायर ठीक है ऐसे ही अब तीन के नेक्स्ट जो होता है वो हमारा बत्तीस होता है बत्तीस का स्क्वायर होता है वो होता है एक हजार चौबीस अब जैसे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया ऐसे ही ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीन अंकों की कौन सी ती, तीन अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा है तो वो होता है नौ सौ इकसठ जो कि होता है इकतीस का और चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है तो वो होती है हमारी एक हजार चौबीस जो कि होती है बत्तीस का स्क्वायर इसीलिए तीस तक तो आ याद करना ही है तो ये और आ याद कर लोगे तो आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे तो इस वजह से ऐसा बोला था तो, तो ये हो गया हमारा छाठवा क्वेश्चन अब हम करेंगे अपना सातवां क्वेश्चन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर छह अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण कूड़ अब छह अंकों की बड़ा जैसे कि हमने बताया कि बत्तीस तक स्क्वायर याद कर लिए अब हम छह अंकों का तक याद करने नहीं बैठेंगे ना पर हमको एक बात तो पता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है नौ नौ का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है एट्टी वन ऐसे ही दो अंकों की सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होती है निन्यानवे होती है निन्यानवे का स्क्वायर हम कैसे करते हैं ये पैटर्न आपने बचपन में बनाया होगा तो अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे नयानवे का स्क्वायर कैसे निकालेंगे एक नाइन को हटा देंगे एक नाइन को लिख लेंगे ठीक है और जितने नाइन लिखने लिखे हैं उतने हम जीरो लिख लेंगे फिर हम क्या करेंगे अब हम एट्टी वन तो हमें लिखना ही लिखना है तो यहाँ पे नाइन के बाद एट लिख दो और वन जीरो के बाद लिख दो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो हमारा होता है वो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है नौ सौ निन्यानवे कौन सी होती है नौ सौ निन्यानबे अब इसका स्क्वायर लिखना है तो हमें क्या करना होगा एक नौ को हमें छुपाने ही छुपाना है तो हमारे दो दो नौ लिख दिए गए दो नौ लिखे है तो दो जीरो भी लिख दो अब हमें एट्टी वन तो लिखना ही है तो एट इधर लिख दो वन इधर लिख दो अब ये हमारी छह अंकों की सबसे अः मतलब छह अंकों की संख्या बन गई अब इसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत जोड़ेंगे तो हमारे तो सात अंक बन जाएंगे ना तो यही हमारा हो जाएगा छह अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी छह अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी हो जाएगी तो आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा वा। ठीक है अब हम करेंगे अपना आठवां वाला क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन हमसे देखिए क्या कह रहा है तो इसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में पॉइंट स्क्वायर स्क्वाच इज डिविजिबल बाई थ्री फोर फाइव सिक्स एंड एट डू यू वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो तो तीन चार पांच छह आठ से विभाजित हो मतलब हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इनसे विभाजित हो कुछ नहीं करना है इन्हीं का हमें क्या निकाल देना है लासा निकाल देना है ठीक है तो इन्हीं का हमें लाशा निकाल लेना है हमारा नंबर है तीन चार पाँच छ और आठ ठीक है तो दो से कर लेते हैं तीन तो जाएगा नहीं दो दूनी चार पांच जाएगा नहीं दो तीन छह दो चक्कू आठ फिर हम इस कर लेते हैं दो से तीन तो जाएगा नहीं दो एक कम दो पांच तो जाएगा नहीं तीन तो जाएगा नहीं दो दूनी चार फिर हम एक बार दो से कर लेते हैं तीन जाएगा नहीं एक उतारा पांच जाएगा नहीं तीन जाएगा नहीं दो एक कम दो अब हम किससे कर लेंगे तीन से कर लेंगे ठीक तीन एक कम तीन एक उतारा पांच जाएगा नहीं तीन एक कम तीन एक उतारा अब हम किससे करेंगे पांच से करेंगे ठीक है एक उतारा एक उतारा पांच एक कम पांच एक उतारा और एक उतारा ठीक है अब हम क्या करेंगे इनका गुड़ा कर लेंगे दो दूनी चार चार दूनी आठ आठ तिया चौबीस या ऐसे कर लो या ऐसे भी कर सकते हो दो आ, मतलब दो दूनी चार दूनी आठ आठ पंच चालीस चार आया तिया बारह ठीक है तो हमारा कितना आया बारह और जीरो एक सौ बीस आ गया ठीक है तो हमारा क्या आ गया एक सौ बीस आ गया अब हमें देखना है कि एक सौ बीस जो है अः किस, किस टेबल मतलब एक सौ बीस किससे कट जाएगा भाई इससे भी कट जाएगा इससे भी कट जाएगा इससे भी कट जाएगा इससे तो नहीं कटेगा ठीक है लेकिन इन्होंने एक वर्ड बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या भाई बारह जो बारह सौ होता है किसी का भी वर्ग नहीं होता है चौबीस भी किसी का वर्ग नहीं होता है छत्तीस सौ जो होता है वर्ग होता है बारह 12 से एक सौ बीस से भी कट रहा है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा तो सीधे सीधे हम आपको सिर्फ ऑप्शन से भी इसका आंसर लगवा देना चाहते थे लेकिन हम आपको प्रॉपर तरीके से भी समझाना चाहते थे कि हमें करना कैसे है हमें इसका एलसीएम निकालना है जो एलसीएम आएगा उनको हम ऑप्शन से भाग करके देखेंगे कौन जा रहा है जैसे कि ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास और नंबर जा रहे थे लेकिन जब ऐसी कंडीशन फंस रही थी लेकिन हमें ये भी देखना था पूर्णवर्ष संख्या कौन सी है तो ये हमारा सिर्फ यही पूर्णवर्ष संख्या थी अगर हमारे पास यहाँ पे और भी पूर्ण वर्ग संख्या दी होती तब तो हम क्या करते जो हमारे पास छोटे नंबर होती तो इसको हम चेक कर लेते तो इस हिसाब से हमने देखा सिर्फ ऑप्शन से भी करना चाहते तो हमारा यही आंसर हो जाता लेकिन प्रॉपर तरीके से समझाना था इसलिए हमने आपको समझाया अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि कह रहा है फाइंड फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच कंप्लीटली डिविजिबल बाय टेन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन बात छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे पूर्ता विभाजित हो सेम वही क्वेश्चन है नंबर अलग है तो भाई यहाँ पे देख रहे हैं अठारह सौ है अठारह सौ है इसका मतलब ही अठारह सौ तो किसी का पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता तो ये ऑप्शन नहीं होगा एक सौ अस्सी भी नहीं हो सकता पांच सौ चालीस भी नहीं हो सकता नौ सौ जरूर हो सकता है हो सकता क्या है अब तीनों ऑप्शन तो हमारे इसी हिसाब से कट गया एक और बात ध्यान रखना लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए या चार जीरो होना चाहिए इनमें तो एक, एक जीरो है ठीक है तो इसी हिसाब से सारे ऑप्शन करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता तो हम कैसे करते दस बारह पंद्रह और अठारह इनका हम निकालते एल्सियम ठीक है दो से करते दो पंचे दस दो छंगे बारह पंद्रह जाता नहीं दो ने में अठारह फिर हम इसको तीन से करते पांच जाता नहीं तीन दो नीचे और तीन पचे पंद्रह तीन तिया नौ फिर हम इसको तीन से कर लेते ठीक है तो पांच जाता नहीं दो जाता नहीं पांच जाता नहीं तीन एकम एक तीन फिर हम इसको पांच से कर लेते पांच एकम एक पांच दो जाता नहीं पांच एकम एक पांच एक उतारा फिर हम इसको दो से कर लेते ठीक है एक उतारा दो एक कम दो एक एक जो है वो हमारा आ गया अब हम क्या करेंगे पांच धुनी दस और दस तिया तीस तीस नेमा तीनतिया नौ मतलब तीन तिया नौ तो हमारा कितना हो गया नब्बे नब्बे धुनी हो जाएगा हमारा अठारह एक सौ अस्सी आ गया कितना एक सौ अस्सी ठीक है कैसे करेंगे एक एक और ए, इसकी गुड़ा एक करने का, एक और इसकी का तरीका हम आपको बता देते हैं कैसे देखो अरे यार नंबर सी बिगड़ गया हमारे कैसे यहाँ पे देखिए इजी तरीका क्या होता है पांच धोनी दस हो गया इनकी गुणा कर लो दो या छह छत्ती अठारह अठारह दस की गुणा है एक सौ अस्सी और एक सौ अस्सी के टेबल में कौन सा आ रहा है भाई ये, ये तो आ रहा है पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये भी आ रहा है पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है अठारती चौवन ये भी आ रहा है पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है अब ये तो पूर्ण वर्ग संख्या अठारह पंचायत नब्बे होता है चाहे ये लो, चाहे कर लो चाहे ऑप्शन से कर लो भाई ऑप्शन से करना ज्यादा वेस्ट है टाइम की बचत है क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करना पड़ेगा और हमारा आंसर भी आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वॉट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दंबर डेट और डिवाइडेड बाई द स्मॉलेस्ट नंबर सो डेट दें नंबर विकम्स से परफेक्ट स्क्वायर पंद्रह बीस पच्चीस चालीस पचास से पूर्ता विभाजित होने वाली छोटी से छोटी किस संख्या को भाग करें या गुणा करे हाँ मतलब भाग करना हो या गुणा करना हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए मतलब हमारे पास एक ही एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे चाहे हम भाग करें चाहे गुणा करें हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता तो चल ही गया है, हमें करना है वो इनका हमें एलसीएम ही निकालना है ठीक है तो हम इनका एलसीएम तो निकाल ही रहे हैं इतनी देर से पांच से कर लेते हैं पांच पंद्रह पांच बीस पचम पचीस पांच अठे चालीस और पांच धामन पचास फिर से हम पांच से कर लेते हैं तीन जाएगा नहीं चार जाएगा नहीं पांच एक कम पांच आठ जाएगा नहीं पांच दूनी दस फिर हम किस से कर लेते हैं दो से कर लेते हैं तीन जाएगा नहीं दो दूनी चार एक दो चक्कू आठ दो एकम एक दो फिर हम दो से कर लेते हैं तीन जाएगा नहीं और दो एकम एक दो हो जाएगा एक उतारा दो दूनी चार ठीक है इतना आ गया है यहीं पे ही इसको छोड़ दो हमने देखा इसका जोड़ा बन गया इसका जोड़ा बन गया फिलहाल अभी हम देखते हैं इसका एलसीएम जो है क्या आएगा पचम पच्चीस पच्चीस चक्कू सौ और सौ और छह की गुड़ा तो हमारा कितना हुआ छह सौ आया ठीक है अब ये कह रहे किससे भाग या गुड़ा करें तो हमने देखा कि तीन बच गया दो बच गया इनका जोड़ा नहीं बनाया इनका जोड़ा नहीं बना इनकी जब हम गुणा अगर करते हैं तो आता है छह अगर इसको हम छह से भाग कर देते हैं हो जाता है सौ अब सौ तो हमारी पूर्ण पूर्णवर्ग संख्या है ऐसे ही हमारा एलसीएम क्या आया था छह सौ अगर इसमें हम छह से गुणा करते हैं, तो हमारा हो जाएगा छत्तीस सौ जो कि हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो हमारा इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इन दोनों अंकों का गुणा जिनका जोड़ा नहीं बना था ठीक है तो इस हिसाब इस से छह जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा अब करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इन मीटिंग हॉल फाइव नाइन टू नाइन स्टूडेंट आर सिटिंग इन ए सच वे वेट देयर आर एज मैनी रूज एस देयर आर इन ए रूल हाउ मैनी रूज आर देयर इन असेंबली हॉल किसी सभा भवन में पांच हजार नौ सौ उनतीस छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं सदभा भवन में कितनी पंक्तियां हैं ये हमें बतानी है भाई उतने ही छात्र बैठे हैं जितनी पंक्तियां हैं इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा school, क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं क्या निकालते हैं वर्गमूल निकालते हैं तो हमें क्या करना है फाइव नाइन टू नाइन का वर्गमूल निकालना है भाई नाइन कब आता है या तो हम तीन का स्क्वायर करते हैं या सात का स्क्वायर करते हैं ये हमने पहली वाली क्लास में आपको ट्रिक बताई हुई है ठीक है और फाइव नाइन टू नाइन किसके स्क्वायर के बीच में आता है ठीक है हमें आपको यहाँ पे ले चलते हैं जहा पे हमने आपको बताया था ठीक है आ जाओ भाई स्लाइड ही नहीं आ रही हाँ आ गई ठीक है फाइव नाइन टू नाइन यही है तो फाइव नाइन टू नाइन किन के बीच में आ रहा है ये पचहत्तर के स्क्वायर और पचासी के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ठीक है पचहत्तर और पचासी के स्क्वायर में के बीच में आ रहा है ठीक है और पचहत्तर के बाद कौन सा जीरो वाला आता है चौसठ सौ चौसठ सौ मतलब चौसठ सौ मतलब हमें अंक चौसठ सौ तो ज्यादा हो रहा है तो हमारे पास फाइव नाइन है मतलब अस्सी से कम आएगा अस्सी से कम आएगा इसका मतलब सात की लाइन में ही होना चाहिए सात की लाइन में होना चाहिए ठीक है अब हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं कहा गया ये तो हमें यहाँ पे पता चल गया या तो तिहत्तर होगा या तो सतहत्तर होगा अब इन दोनों में से क्या होगा ये हम कैसे पता करें ठीक है तो हमने आपको क्या बताया था अभी देखो अगर हम पचहत्तर का स्क्वायर करें तो हमारा क्या आएगा पचम पच्चीस और सात अठे छप्पन ये आएगा ठीक है ये ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है आप बताओ ये इस टाइप के जिसका यूनिट डिजिट फाइव है उसका स्क्वायर निकालना इजी है ना कैसे पांच का स्क्वायर तो पच्चीस ही होता है और सात का सात का स्क्वायर हम मतलब सात की गुणा हम किस कर देंगे नेक्स्ट से कर देंगे सात अठे छप्पन ठीक है इस तरीके से ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट फाइव हो उसका स्क्वायर निकाला बहुत ज्यादा इजी है हमने पहली क्लास में आपको बताया हुआ है ठीक है तो फिलहाल अब आप आपको बताना है ये नंबर बड़ा है ना और पचहत्तर से पचहत्तर का स्क्वायर जो छप्पन में आ रहा है ठीक है तो तिहत्तर का स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता सतहत्तर का स्क्वायर होना चाहिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सतहत्तर आ जाएगा इसलिए तिहत्तर क्यों नहीं होगा क्योंकि तिहत्तर का स्क्वायर तो इससे कम होना चाहिए पर ये तो ज्यादा आ रहा है ठीक है इस तरीके से हमने देख लिया वर्मूल कैसे निकाला जाएगा ठीक है और और क्या ठीक है कितना हो गया अब हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अभी काफी कुछ क्वेश्चन जो है हमारे बचे हुए हैं कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय